दिया और एक खुद एक है बोलते हैं जिसको जननी माँ बोलते हैं और एक करनी माँ बोलते हैं। कर्म भूमि एक जन्म भूमि, अगर जन्म भूमि अपनी उत्तर प्रदेश है तो कर्म भूमि हमारी ये मुंबई महाराष्ट्र है। तो एक माँ ने उत्तर प्रदेश हम जन्म दे दिया तो एक कर्म भूमि ने सातों समंदर में जीवन दे दिया। मैं पूरे आपके फेडरेशन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक प्रश्न भी रखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे दत्तू जैसे लोग जिन्होंने जिनके हम बच्चे की तरह हैं, कोई भी हिंदुस्तान का प्रोड्यूसर अगर मजाक करने आया है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर गंभीरता से मजाक करने आया है तो 100% वो पैसा अगर लगाना चाहता है फिल्म में तो ना अपने मजदूर को दुखी देखना चाहता है ना अपने मालिक को दुखी देखना चाहता है, क्योंकि बिल्कुल रिस्की बिजनेस है ये। सौभाग्यशाली है हम सब लोग कि एक ऐसे हवा के बिजनेस से जुड़े हुए हैं जिसका कोई प्रारूप ही नहीं है। कोई भी बिल्डर जब बिल्डिंग बना देता है ये बिल्डिंग दिख जाती है, इसका मूल्य सामने से दिख जाता है, लेकिन हम ऐसी अमूर्त चीज में जान प्राण भरने की कोशिश करते हैं जो पर्दे पर चलकर मूर्त के रूप में बदल जाती है, और जब रूप मूर्त के रूप में बदल जाती है वो उसके बाद सड़कों पर जाती है, सिनेमा हॉल के अंदर जाती है, और सिनेमा हॉल के अंदर जब पहुंच के जब तक जिन लोगों ने जाके एक चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे किसी भी संस्था से क्यों ना हो, जब तक वो टिकट लेके उसमें अंदर ठप्पा नहीं लगा देता है कि ये फिल्म अच्छी है, तब तक सब कुछ सारी मेहनत सब कुछ अधूरी है। तो इसलिए प्रोड्यूसर से भी खूब प्यार करो और स्पॉट वाइज से भी खूब प्यार करो, लाइट वाले से भी खूब प्यार करो, अभिनेता से भी खूब प्यार करो, क्योंकि हमें मालूम है कि जो लोग किसी के बच्चे का पेट काटने की कोशिश करेंगे वो फिल्म इंडस्ट्री क्या वो तो कहीं नहीं रह पाएंगे, लेकिन जो लोग अपने हाथों से एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे के बच्चों को पेट भरने का कोशिश करेंगे तो फेडरेशन भी 10 गुना बड़ी हो जाएगी, यूनियन भी 10 गुनी बड़ी हो जाएगी। और इस यूनियन को बड़ा करने में आज 34वीं है, हम हो ना हो लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि जब किसी चीज में मजदूरी होती है वही सबसे अच्छी मजबूती होती है, और जिसमें मजदूरी नहीं होती है, जिन हाथों में मजदूरी नहीं होती है, विश्वास करिए कितने भी बड़े लोग बन जाए आप वो हमेशा मजबूरी जैसे दिखते हैं। इसलिए मजबूत बनो, स्वस्थ बनो, परिश्रम करो, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। खूब नियमों का पालन करो, खूब व्यवस्था जो संगठन बना है आपका फिल्म स्टूडियोज का, जब फिल्म का नाम सुनते हैं तो हम लोग तो एक दूसरे कजिन ही है, लेकिन नियमों में इतनी सरलता रखो ताकि प्रोड्यूसर भी आपके सपोर्ट से ऊपर बढ़ जाए और प्रोड्यूसर के सपोर्ट से अपना परिवार ऊपर बढ़ जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, आप सदा बढ़ते रहे ये मेरी शुभकामनाएं, और ऐसे जरूरत पड़ती रहेगी मैं रास्ते में आ मिलूंगा। थैंक यू सो मच, हमें अच्छा लगा कि और इस मिशन में विश्वास कीजिए, मैंने दद्दू को बोला जब हमारे घर आए थे, हमने कहा जब तक राजपाल यादव की सांस है इस यूनियन के लिए राजपाल अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, राजपाल को कंप्लीट इनका सदुपयोग करने की कोशिश करो, और हम एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या कर सकते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ है। मैं 34वीं में अपनी तरफ से दुआ करता हूँ कि ये एक जीरो और बढ़े, 340वीं जाके भी मने हमारे पोते खेल रहे हो और सीनियर प्राउड फील कर रहे हो। थैंक यू सो मच।